हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल चैस इन लंडन। आज लंडन में काफ़ी अच्छा दिन किया हुआ है, धूप निकला हुआ है, इट्स अ वेरी सनी डे। और हम लोग वेम्बली में हैं। वेम्बली में आज इंटरनेशनल बस्किंग डे सेलिब्रेट हो रहा है। नाउ बस्किंग डे में क्या होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, स्टेज बना रहते हैं और आर्टिस्ट आके वहाँ परफॉर्म करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये डे को यहाँ पर कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी सारे स्टेजेस यहाँ पर बने हुए हैं, केवल एक स्टेज नहीं है। जहाँ तक हम लोगों ने सुना है कि 8 से 9 स्टेज बने हुए हैं और हर एक स्टेज पे अलग अलग म्यूजिशियन, कुछ सर्कस आर्टिस्ट भी होंगे, उन लोग परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है और आपको भी दिखाएंगे और शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, और होपफुली आप लोगों को ही पसंद आएगा। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए और मैं आपको यहाँ का बस्किंग डे का सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करूँगा। आगे में कुछ स्टेज बना हुआ है, फेसिंग अदर साइड है, इसलिए आपको स्टेज यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। बट इस एरिया में कम से कम आगे चल के 3 से 4 स्टेज बने हुए हैं। लोग अभी अभी आना शुरू हुए हैं, मतलब 1 बजे के आसपास से यहाँ पे शुरू हुआ है और ये शाम तक चलने वाला है। एक्सपेक्टेशन ये है कि धीरे धीरे क्राउड बढ़ता रहेगा और काफ़ी लोग यहाँ पर बस्किंग डे को इन्जॉय करने के लिए आने वाले हैं। ये वेम्बली स्टेडियम है, तो वेम्बली में जो बस्किंग डे सेलिब्रेट हो रहा है, वेम्बली स्टेडियम के आसपास ही सेलिब्रेट हो रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो सर्कस का जो स्टेज बना है वहाँ जाने के लिए। देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्कस के आर्टिस्ट जो हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। मैसिव स्केल पर मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ कि बहुत ही बड़े स्केल पर सर्कस परफॉर्म होगा, क्योंकि स्टेज उतना बड़ा इन लोगों ने नहीं बनाया हुआ। बट एटलीस्ट मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा और सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। अभी भीड़ उतना जमा यहाँ पे नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेशन है क्योंकि अभी जस्ट शुरू हुआ है। बहुत रिस्की था उस टाइम में। Thank you.
हमने सर्कस का व्यू एंजॉय किया और देखते हैं कि आगे और क्या परफॉर्मेंस हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 8 से 9 स्टेज यहाँ पे बने हुए हैं, मतलब अलग अलग जगह पे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और हम लोग ट्राई करेंगे कि सारे एरिया को कवर कर सकें, सारे स्टेजेस को हम लोग देख सकें। अभी हम लोग मेन स्टेज के पास आने वाले हैं। ये जो मेन स्टेज है इस पे मेनली म्यूजिशियंस ही परफॉर्म करने वाले हैं। स्टेज भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सेट किया है। Until the light.
I'm free.